बात करते हैं मार्जिलिन अल्सर की, ठीक है। तो मार्जिलिन अल्सर क्या होता है? इट इज़ दी वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है यार ये, वेल वेल डिफ्रेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जो कि कहाँ से अराइज करता है? कोई भी स्कार से, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर बन जाता है ड्यू रिपीटेड ब्रेक डाउन। सो कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम स्कार, अल्सर ड्यू टू रिपीटेड ब्रेक डाउन। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे पहली बात ये है कि ये स्प्रेड नहीं करता यार टू द लिम्फ नोड, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लिम्फेटिक्स नहीं होता स्कार के अंदर, नो लिम्फेटिक्स इन स्कार, हैंस कैन नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स एंड लोकली मैलिग्नेंट होता है, एंड ये पेनलेस होता है बिकॉज कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ पे, पेनलेस एस नो नर्व इज इन्वॉल्व। एंड यहाँ पे जो एज है वो कैसा होता है? इवर्टेड होता है, रेस्ट होता है, एंड इन ड्यूरेशन जो है कभी हो सकता है कभी हो भी नहीं सकता, और कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ बोल सकते हैं दैट रेस्ट इवर्टेड एज विथ इन ड्यूरेशन बट नॉट ऑलवेज। एंड ये जो अल्सर है ये स्लो ग्रोइंग होता है बिकॉज कम वेस्कुलरिटी होती है इसमें, सो इट इज स्लो ग्रोइंग ड्यू टू लेस वेस्कुलरिटी। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज बायोप्सी करते हैं यार, ठीक है ना। देखो छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम ये मैटर नहीं करता टॉपिक छोटा है कि बड़ा है, एग्जाम ये मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मार्जिलिन अल्सर की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे मार्जिलिन अल्सर का यार, पहले तो रेडियोथेरेपी इसको नहीं दे सकते बिकॉज ये रेडियो रेजिस्टेंट होता है, सो नो यूज़ ऑफ रेडियोथेरेपी बिकॉज इट इज टाइप ऑफ कार्सिनोमा है ना, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, लेकिन इसमें रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट, इट इज़ रेडियो रेजिस्टेंट। एंड और क्या कर सकते हैं, वाइड एक्सीजन कर सकते हैं लीजन का अलॉन्ग विद द मार्जिन ऑफ एटलीस्ट, सपोज कर ये अल्सर है तो यहाँ पे एक सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हुए इसको वाइड इंसीजन करते हैं, ठीक है। सो वाइड एक्सीजन ऑफ लीजन अलॉन्ग विथ अ मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर इज एक्साइज। एंड एम्पुटेशन की जरूरत कब पड़ सकती है यार, पूरे पूरे पैड को काटने की जरूरत कब पड़ सकती है? इफ रिकरेंस हो रहा है वाइड एक्सीजन के बाद भी अगर रिकरेंस हो रहा है सो इसमें एम्पुटेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। रिकरेंस आफ्टर वाइड एक्सीजन, रिकरेंस आफ्टर वाइड एक्सीजन इन प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द लिम, डिस्टल पार्ट में तो नहीं चल जरूरत तो नहीं होता, अगर यहाँ पे बड़ा सा अल्सर है डिस्टल पार्ट में तो कर सकते हैं बिग
अल्सर इन डिस्टल पार्ट, रिकरेंस डिस्टल पार्ट में है तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, एम्पुटेशन की। अगर बिग अल्सर है डिस्टल पार्ट में तो यहाँ पे एम्पुटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिन अल्सर। इंपॉर्टेंट है यार, छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर में आता रहता है, इसीलिए तो टॉपिक का लेंथ को देख के इंपॉर्टेंस मत समझना यार। टॉपिक जो आता है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में।